नई कार्यकारिणी की आज सुबह 11 बजे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में ईजीएम की बैठक बुलाई गई है। खेल कमेटियां बनाने समेत आरसीए के फंड के मुद्दे को ईजीएम की बैठक में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आज होने वाली ईजीएम की मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी को संरक्षक बनाने पर भी मुहर लगेगी। इसके साथ ही राजस्थान क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए ईजीएम में कई महत्वपूर्ण एजेंडास को भी शामिल किया गया है। तो आपको बता दें, जहां पर आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ईजीएम की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। नई कार्यकारिणी की ये बैठक होगी पहली बैठक, सुबह 11 बजे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में इस बैठक का ईजीएम का आयोजन किया गया है और खेल कमेटियां बनाने समेत आरसीए के फंड के मुद्दे को ईजीएम की बैठक में शामिल किया गया। जी मीडिया संवाददाता ललित वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। ललित, नई कार्यकारिणी की आरसीए में आज पहली बैठक होने जा रही है ईजीएम की, क्या कुछ खास और राजस्थान क्रिकेट को लेकर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज इस मीटिंग को लेकर ये दिन? जी बिल्कुल, मुझे आपको बता दें कि जो ईजीएम की मीटिंग है आज होने जा रही है, इस ईजीएम की मीटिंग को इस रूप में सबसे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है क्योंकि आज खेल कमेटियों का गठन हो सकता है। इसके साथ ही जो पूर्व अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनको संरक्षक बनाने का जो फैसला लिया गया था पिछली जो ईजीएम हुई थी, जिस दिन चुनाव हुए थे उस दिन की ईजीएम में उनको संरक्षक बनाने का फैसला लिया गया था, आज उस पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही पिछली ईजीएम के जो मिनट्स हैं उनको भी अप्रूवल मिलेगी। सबसे बड़ी नजरें रहेंगी जो तीन जिला क्रिकेट संघ हैं जिनको लंबित कर रखा है, अलवर, नागौर, श्री गंगानगर। हालांकि हाईकोर्ट ने इन तीनों ही जो जिला संघ है उनके सचिवों को इस मीटिंग में शामिल होने के आदेश दिए हैं। ऐसे में आज इन तीनों जिला संघों पर कोई ना कोई बड़ा फैसला आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही जो आरसीए का फंड है, जो बैंक खाते थे उनको वापिस से चालू करवा लिया गया है, अब उस फंड को किस प्रकार से उपयोग में लेना है इसके ऊपर मोहर लगेगी। साथ ही जो बीसीसीआई की ओर से मिलने वाला फंड है उसको लेकर भी जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके उनको भेजा जाएगा, उसकी रणनीति भी आज तैयार की जाएगी। तो ऐसे में राजस्थान क्रिकेट के लिहाज से आज की मीटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। जो आरसीए के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। सभी जो जिला संघ है उनके सचिव इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आज की मीटिंग के जो एजेंडे हैं उसके साथ ही तीनों जिला संघों की जो संबंधता है उसको लेकर कोई बड़ा फैसला आने की पूरी संभावना है। इसी प्रारूप में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज की ईजीएम की मीटिंग में। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, जहां पर आज होने वाली ईजीएम की बैठक में खेल कमेटियां बनाने के साथ साथ तीन निलंबित जिला संघों पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है।